पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले के अंदर दो पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं। कार्यालय खोलने के पीछे राज्य सरकार की मंशा ये थी कि अपराधियों पे नकेल कसी जाएगी और आम जन को राहत मिलेगी, लेकिन हुआ उसके विपरीत। संसाधन होते चले गए, अपराधी अत्याधुनिक संसाधनों में आए और आज चाहे वो स्नेचिंग की घटना हो, चाहे डकैती की घटना हो, चाहे बलात्कार की घटना हो, चाहे गोकशी की घटना हो, चाहे अवैध खनन की घटना हो, चाहे मॉब लिंचिंग की घटना हो, पूरे राजस्थान के अंदर किसी न किसी अखबार में या न्यूज चैनल के अंदर अलवर जिला छपता रहता है और दिखता रहता है। सभापति, इसमें एक कारण मैं बहुत बड़ा ये मानता हूं कि जब मॉब लिंचिंग की घटना होती है, उस मॉब लिंचिंग में किसी दलित बंधु की हत्या होती है, हत्या करने वाले के अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर उस घटना को भी दुर्घटना के रूप में पुलिस परिवर्तित कर देती है। थानागाजी का कांड हो, 2019 में सरकार की स्थापना पर ही गैंग रेप हुआ, एफआईआर दर्ज होने में देरी हुई, मुलजिमों को देर से पकड़ा गया। उसका कारण यह था कि जोधपुर में लोकसभा के चुनाव होने थे, वोट पड़ने थे, तो सरकार की तरफ से आदेश आया कि इस मामले को थोड़ा डिले करो। मूक बधिर बच्ची का कांड हुआ, अभी हुआ, उसमें पंजाब में चुनाव चल रहे थे, क्योंकि वो बेटी सिख समाज की थी और उस मामले में भी उस बेटी को न्याय ना दे करके बलात्कार की घटना को भी इसी पुलिस ने दुर्घटना के रूप में परिवर्तित कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूं, जब तक राजस्थान के ऊपर दबाव को मुक्त नहीं किया जाएगा, राजस्थान पुलिस से राजस्थान पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप बंद नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती रहेंगी और अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। यदि मैं अलवर जिले की बात करूं तो अलवर जिले में दो पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं, लेकिन दो पुलिस अधीक्षक कार्यालय होने के बावजूद भी जो आंकड़े मेरे पास हैं, आदरणीय धारीवाल साहब यहां बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे जिले के अंदर निरीक्षक के 34 पद हैं, लेकिन आज की तारीख में 12 रिक्त पद हैं, उप निरीक्षक के 53 पद हैं लेकिन 10 रिक्त हैं, सहायक उप निरीक्षक के 289 पद हैं, 144 रिक्त हैं, हेड कांस्टेबल के 397 पद हैं लेकिन 96 रिक्त हैं। साथ ही साथ राजस्थान की सरकार बहुत बड़ी मात्राओं में चौकियों को थाने में परिवर्तित कर रही है, नए थाने खोल रही है, लेकिन पुराने थानों में लांगरी का पद तो है, लेकिन नए थानों के अंदर पुराने थानों में लांगरी का पद तो है, लेकिन नए थानों के अंदर आपने लांगरी के पद का सृजन ही नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। साथ ही साथ मैं यदि अलवर की बात करूं तो अलवर के अंदर अखेपुरा चौकी जो अलवर शहर के अंदर स्थित है, पुरानी मांग है कि इस चौकी को थाने के अंदर कॉमनत किया जाए। निवर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से भी रिपोर्ट आई है, वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी चाह रहे हैं अपराधियों पर नकेल डालने के लिए उस थाने चौकी को, अखेपुरा चौकी को थाने में कॉमनत करने की महती आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इस चौकी को थाने में कॉमनत करने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं यदि मांग करूं, हमारे जो पुलिस कर्मी है, जो आवास उनके पास है, वो पहली बात तो अलवर शहर में हो चाहे पूरे जिले में हो, जहां जहां हमारे थाने हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में वो थाने हैं, जिस जर्जर स्थिति में उनके आवास हैं, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि एक बड़े बजट की आवश्यकता उन आवासों को ठीक करने के लिए भी चाहिए और नए आवास बनाने के लिए भी चाहिए। सभापति महोदय, आज का जो अपराधी है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों लेके घूमता है, चाहे फॉर्चुनर हो चाहे पजेरो हो, जो बहुत तेज गति से चलती हैं। लेकिन अभी कुछ समय हमारे एक अखबार के अंदर
एक फोटो छपी थी भिवाड़ी थाने संबंधित, पुलिस कर्मी उस अपनी सरकारी जीप को धक्का लगा रहे थे। अपराधी घटना कट के निकल जाता है, लेकिन जो वाहन उसके पास है वो उस अपराधी का पीछा करने में सक्षम नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक थाने में जहां कम से कम 500 FIR प्रति माह दर्ज हो रही हो, दो नई गाड़ियां उस थाने में उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ने में भी हमारी पुलिस को आसानी होगी। साथ ही साथ हमारे जिले के अंदर जिला मुख्यालय पर साइबर थाना तो खुल गया और अपराध भी बड़ी तेज गति से उसमें दर्ज हो रहे हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय, अपराध दर्ज होने के बावजूद भी आज तक अपराधियों को पकड़ने में हमारी पुलिस विफल साबित हुई है। सभापति महोदय, साइबर थाना खोलना अच्छी बात है, लेकिन उसी गति से पुलिस को उन अपराधियों को भी पकड़ना चाहिए। सभापति महोदय, ये मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग है। उसके साथ साथ जो हमारे जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं, एक कटु सत्य मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि नफरी की कमी तो मैंने आपको बताई, लेकिन इसमें पुलिस कांस्टेबलों का जो दर्द है वो बयां मैं आपके सामने करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि बहुत बड़ी संख्या में वो पुलिस कांस्टेबल हमारे जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे वो जिला स्तर के हो, चाहे वो जयपुर में बैठने वाले अधिकारी हो, उनके घर पे काम कर रहे हैं। डीजी साहब की भैंस दूध नहीं देती तो उसकी चिंता कांस्टेबल करता है, डीजी साहब की भैंस गाय दूध नहीं देती तो उसकी सानी की चिंता पुलिसकर्मी करता है। इस पुलिसकर्मी को भी आजादी की आवश्यकता है। सभापति महोदय, कम से कम ऐसा तो कर दो कि वो अधिकारियों की काम करने की बजाय अपराधियों को पकड़ने में अपनी पूरी भूमिका निभाए, इस प्रकार की मांग भी मैं राज्य सरकार से करता हूं सभापति महोदय। साथ ही साथ आने वाले समय में हमारी पुलिस को अत्याधुनिक हथियार हो, और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सेना को एक विशेष बजट दे करके देश की सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए एक विशेष बजट जो दिया है, अत्याधुनिक हथियार उनको उपलब्ध कराए हैं, उसी प्रकार से आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान पुलिस को भी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक विशेष बजट का प्रावधान करें। साथ ही साथ जो हमारे, हम कई बार आरोप लगाते हैं कि थानेदार हमारा फोन नहीं उठाता, डिप्टी SP हमारा फोन नहीं उठाता, लेकिन आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं, जो जयपुर में बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं, क्या उन्होंने ये सोच रखा है कि केवल फीड किए हुए फोन ही वो उठाएंगे, बिना फीड किए हुए फोन नहीं उठाएंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी तरफ से भी आग्रह करें, और माननीय धारीवाल साहब आप विराजमान हैं, आप बहुत सक्षम हैं, अधिकारियों को आदेशित करें कि चाहे एक लेमैन, एक आम जन भी उस अधिकारी को फोन करे तो उसका फोन उठा करके उसको रिस्पांस दे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।